हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है मेकअप करने वाली सिंड्रेला की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं मेकअप वाले सिंड्रेला की कहानी। किसी गांव में सिंड्रेला नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। सिंड्रेला की माँ ने बैंक से 5 लाख रुपए कर्ज लेकर अभी अभी एक नया ब्यूटी पार्लर खोला था। सिंड्रेला रोज पार्लर जाकर अपनी माँ के काम में उसका हाथ बटाया करती थी। इस तरह एक दिन दोनों माँ बेटी पार्लर में काम कर रही थी कि तभी अचानक शॉर्ट सर्किट हो जाता है और इस वजह से दुकान में आग लग जाती है। ये देख सिंड्रेला और उसकी माँ आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आग नहीं बुझती और थोड़ी ही देर में पार्लर पूरी तरह जलकर राख हो जाता है। अरे माँ, अचानक ये सब क्या हो गया? हमारा पार्लर तो जलकर पूरी तरह बर्बाद हो गया, अब हम क्या करेंगे? मुझे इस बात का बहुत दुख है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैंने हमारे पार्लर की इंश्योरेंस करवा रखी है। हमें नया पार्लर खोलने के लिए इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिल जाएंगे। फिर अगले दिन दोनों माँ बेटी इंश्योरेंस कंपनी में अपने पैसे लेने जाते हैं, लेकिन इंश्योरेंस वाले उन्हें पैसे देने से इनकार कर देते हैं। देखिए, आपके पार्लर में लगने वाली आग का असली कारण हमें नहीं पता चला। हो सकता है इंश्योरेंस का पैसा लेने के लिए आप दोनों ने खुद ही अपनी दुकान में आग लगाई हो। अरे अंकल, ये आप क्या कह रहे हो? हम भला अपनी दुकान में आग क्यों लगाएंगे? और पैसों का लालच इंसान से कुछ भी करवा सकता है। पहले आप इस बात का सबूत लाइए कि आपकी दुकान में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, तभी हमारी कंपनी आपको पैसे देगी। मैं सब समझ गई, आप लोग जानबूझकर पैसे देने नहीं चाहते, इसीलिए इस तरह के बहाने बना रहे हो। चलो माँ, इनसे बहस करके कोई फायदा नहीं। इस तरह वो दोनों माँ बेटी दुखी होकर वहां से चली जाती हैं। दूसरी तरफ पार्लर जलने की वजह से उनकी कमाई पूरी तरह बंद हो जाती है और ऊपर से बैंक वाले अपना कर्ज मांगने रोज उनके घर पर आने लगते हैं। रोज रोज लोगों के ताने सुनकर सिंड्रेला की माँ बहुत परेशान हो जाती है और बहुत बीमार पड़ जाती है। अपनी माँ की हालत देख सिंड्रेला से रहा नहीं जाता और वह दुखी होकर रोने लगती है। हे भगवान, ये तू हमें कैसी सजा दे रहा है? अचानक हमारी जिंदगी में ये तूफान ने सब कुछ उजाड़ दिया है, पता नहीं आगे क्या होगा। इस तरह एक दिन सिंड्रेला कहीं जा रही थी कि तभी अचानक रास्ते में उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है लड़की, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं तो तुम्हारे पास अपना मेकअप करवाने आई हूँ। चुड़ैल की ये बात सुनकर सिंड्रेला हैरत में पड़ जाती है। देखो, मैं कल पार्लर में अपना मेकअप करवाने गई थी, लेकिन सभी पार्लर वाली लड़कियां मुझसे डर कर भाग गई। मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तुम मेरा मेकअप कर दो। आज शाम मुझे मेरी चुड़ैल सहेली की शादी में जाना है, इसके बदले मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगी। अपने घर की हालत सुधारने के लिए सिंड्रेला को पैसों की बहुत जरूरत थी, इसीलिए वह चुड़ैल का मेकअप करने का जोखिम उठाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद सिंड्रेला चुड़ैल को अपने घर ले जाती है और घर में रखे मेकअप के सामान से चुड़ैल का मेकअप करने लगती है। थोड़ी देर में सिंड्रेला चुड़ैल का अच्छी तरह मेकअप करके उसे तैयार कर देती है। सिंड्रेला की हाथ की कलाकारी देख चुड़ैल बहुत खुश होती है। अरे वाह लड़की, तुम्हारे हाथ में जादू है, तुमने मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। अब मैं हमेशा तुम्हारे पास मेकअप करवाने आया करूंगी, ये लो तुम्हारे 10 सोने के सिक्के। इतना कहकर चुड़ैल सिंड्रेला को सोने के सिक्के देकर वहां से चली जाती है। उन सोने के सिक्कों को पाकर सिंड्रेला बहुत खुश होती है। फिर अगले दिन वो चुड़ैल कुछ और चुड़ैलों को लेकर सिंड्रेला के घर आ जाती है। कल तुमने मेरा मेकअप बहुत अच्छा किया था, इसीलिए ये मेरी सहेलियां भी तुमसे अपना मेकअप करवाने आई हैं। चलो जल्दी से तुम इन सबका मेकअप कर दो। फिर सिंड्रेला एक एक कर सभी चुड़ैलों का मेकअप करने लगती है। थोड़ी देर में सिंड्रेला उन सभी चुड़ैलों का मेकअप करके उन्हें तैयार कर देती है।
सिंड्रेला के मेकअप की वजह से सभी चुड़ैले खुश हो जाती हैं और उसकी तारीफ करने लगती हैं। फिर सभी चुड़ैल सिंड्रेला को ढेर सारे सोने के सिक्के देकर वहां से चली जाती हैं। उस दिन के बाद से आसपास के इलाके की सभी चुड़ैले सिंड्रेला से अपना मेकअप करवाने आने लगती हैं। इस तरह रोज रोज सोने के सिक्के मिलने से सिंड्रेला बहुत जल्द अमीर बन जाती हैं। इस तरह सिंड्रेला की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और वो अपना सारा कर्ज चुका देती है और साथ ही अपने लिए एक बड़ा आलीशान मकान बनवाकर अपनी माँ के साथ वहाँ हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों मेकअप वाली सिंड्रेला की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में आई मुसीबत से हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन हमारा बुरा वक्त बीत जाता है और हमारी जिंदगी खुशियों के उजाले से भर जाती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।